संविधान से छेड़छाड़ होती है, पर मैं चेतावनी देता हूँ कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं जानकारी मिली है, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, जानकारी मिली है कि किस सोर्स से मिली है वो मैं भी कहूंगा, और आप भी जानते हैं। मैं नहीं जानता सर, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सबको ऐसा अपने बातों से ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये हमेशा आप बोलते हैं। बहुत ही कुछ हुआ तो मेरे चैम्बर में आओ, तो ये इसीलिए सर मेरा। पर आप कभी चैम्बर में आए ही नहीं। नहीं मैं सर, एक काम कीजिए, आज आप मेरे चैम्बर में ये डिस्कस करने के लिए आइए। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है, और ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियाम्बल को हटाया गया है, और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियाम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले प्रियाम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र का फाउंडेशन प्रिंसिपल्स, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूज को दर्शाता है। ये इतना रहते हुए भी, और एक बार मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात चली और भाषण भी हुआ, जब 25 नवंबर 1949 को ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल, ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as the separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to avoid to diverge one from the other is to defeat the very purpose of democracy. आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हर नागरिक को और खास तौर पर हमारी भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं, लोकतंत्र संविधान और उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के बारे में जानना ही चाहिए। हमारे महान नायक महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अन्य आज़ादी के आंदोलन में इन मूल्यों के लिए कितनी कुर्बानी दी है ये आप जानते हैं। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर सर, योर सब्जेक्ट यू आर डिबेटिंग। नहीं ओके, मैं छोड़ के आ गया। नहीं नहीं, आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते हैं, नहीं उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, पर मैं चेतावनी देता हूँ कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ
छेड़छाड़ कर रही है और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। हाल के दिनों में Nothing else will go on record now. And I will look into what has to be deleted. Last 4 minutes to be deleted. Please, I'll give you permission. Please take your seat. Leader of the House will speak after that. I don't want... One second. What is this? If leader of the opposition or leader of the house speak, they have to be heard in rapt attention. What they speak, the chair is there to look into it, number one. And number two, sir, the issue, you are digressing. Sir, I will be constrained to... एक मिनट में खत्म करता हूँ सर। मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूँ कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तत्व सदन के सामने रखे, इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं यह अच्छा नहीं है। थैंक यू। इसीलिए वो और मैं, आपने मुझे कई में है कहाँ है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स ऑन प्रियामल इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सर 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 सुनिए, सुनिए सुनिए सर सर सर, यू मेड योर पॉइंट, जीरो आवर है सर। और सर इसको सर मोदी साहब ने नमस्कार कर रहे हैं पेपर डिड नॉट बी शोन और उन्होंने ही इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। सर डजंट बिहेवियर स्टेटस टू शो पेपर, पेपर इज अनडिग्निफाइड, डोंट से इट। यू मेड योर पॉइंट, इट इज सर दैट्स व्हाई आई विल सी व्हाट हैज टू गो इन द टेक्स्ट। यू आर चेंजिंग द सिलेबस, लीडर ऑफ द हाउस, दे आर चेंजिंग। सर गॉट योर पॉइंट सर, यू हैव सेड इट, यू आर ओनली रिपीटिंग नाउ। सर यू हैव सेड सो, सर यू हैव सेड सो, यू हैव मेड योर पॉइंट। Thank you.